सो गाइज वेलकम वंस अगेन बिजनेस स्टडीज़ के एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ आज मैं आया हूँ जिसे मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। और आज के वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे सर्विस सेक्टर की, जिसमें कि देखेंगे कि सर्विसेज होती क्या है, सर्विसेज के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेसिकली जिसे हम लोग 5 I के नाम से भी कहीं कहीं पढ़ते हैं। इसके अलावा देखेंगे कि सर्विसेज के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बिल्कुल आपको ये टॉपिक ईजिली समझ में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज आर नॉन फिजिकल इनटेंजिबल पार्ट ऑफ द बिजनेस विच प्रोवाइड द कस्टमर्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वॉन्ट्स। सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज एक नॉन फिजिकल इनटेंजिबल पार्ट होती है बिजनेस का, जो कि कस्टमर के नीड्स एंड वॉन्ट्स को सेटिस्फाइड करती है। मीन्स जैसे कि आप अगर होटल्स में जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपका वेटर मीन्स जो आप ऑर्डर करते हो, जो वेटर आपको वो फूड वो डिश ला कर के प्रोवाइड करता है, उसके बिहेवियर से आप एक्सपीरियंस होते हो, वहाँ पे इन्वायरमेंट से आप जो भी फील करते हो उस बेसिस पे आप नेक्स्ट स्टेप लेते हो। मीन्स कि आपको वहाँ पे नेक्स्ट टाइम से जाना है, अच्छा लगा आपको माहौल, क्या लगा क्या नहीं लगा, उस बेस पे आप डिसीजन लेते हो। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बहुत सारे, जैसे कि आप कभी कभी फ्रेंड सर्कल में होते होंगे तो आप एग्जांपल देते होंगे किसी पर्टिकुलर प्लेस या रेस्टोरेंट्स की, तो वो क्या बोलते हैं कि वो जगह मुझे पसंद नहीं आई, जबकि उनके कंपैरिजन में वो जगह आपको बहुत पसंद आती है। तो दैट इज़ द एक्स सर्विसेज, जो कि अलग अलग किसी भी पर्सन का, इंडिविजुअल्स का हो सकता है, बट सर्विसेज क्या होती है, एक इनटेंजिबल नॉन फिजिकल शेप में होती है, जिसे हम सिर्फ फील या फिर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब हम इसके अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है इनटेंजिबिलिटी, मीन्स कि द थिंग्स विच डज नॉट हैव देयर फिजिकल शेप दैट कैन नॉट बी टच्ड और सीन, ओनली वी कैन एक्सपीरियंस। जैसा कि हम लोगों ने इसके डिफिनेशन में भी देखा कि सर्विसेज जो होती है उनका कोई भी फिजिकल शेप नहीं होता है, ना ही हम उसे छू सकते हैं, ना ही उसे देख सकते हैं, सिर्फ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर हम इसके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो है इनकंसिस्टेंसी, मीन्स देयर इज कंसिस्टेंसी इन सर्विसेज दैट कैन नॉट बी सेम, इट मे बी डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन। सर्विसेज क्या होती है, ये आपको हर बार अलग दिखती है। मीन्स जैसे कि आप पर्टिकुलर प्लेस पे, आप होटल में ही जाते हो और वहाँ पे आप क्या करते हो कि फर्स्ट बार का आपका एक्सपीरियंस जैसा होता है, आप उस हिसाब से डिशेस ऑर्डर भी करते हो, उस हिसाब से इन्वायरमेंट भी आप खोज ढूंढते हो, बट वहाँ पे कभी कभी होता है कि आपको सेकंड बार वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं होती है। मीन्स कि ये डिफर करता है हर बार हर तरह से, जैसे कि टाइम टू टाइम भी ये डिफर करता है। हो सकता है कि जो आपने पहले वाला वेटर को ऑर्डर किया हो वो वेटर वहाँ पे ना हो, आपका सेकेंड टाइम ऑर्डर किसी और ने लिया हो, एज़ पर उस टाइम का मेंटेनेंस कुछ और हो, सेकेंड टाइम का, फर्स्ट टाइम का कुछ और हो, बहुत चीज़ें डिपेंड करती है एज़ पर द टाइम, एज़ पर द पर्सन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये है आपका इंस्पायरेबिलिटी, मीन्स दैट इज़ अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज इन विच देर इज़ नो एनी सेपरेशन बिटवीन सर्विस एंड सर्विस प्रोवाइडर। मीन्स सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, दोनों अलग नहीं होते हैं। सपोज दैट आप जो होटल में जा रहे थे वहाँ पे जो आपको वेटर जो होती है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे उनमें, और आप जो एक्सपीरियंस किए वो सर्विस में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। मीन्स जैसे वो रिप्रेजेंट करेंगे उस हिसाब से सर्विस आप गेन करेंगे। मीन्स अगर आप सेकंड एग्जांपल को देखें, जैसे कि है सपोज दैट एक अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आप जहाँ पे जैसे कि वो आपको जिस हिसाब से ट्रीट करते हैं उस हिसाब से आप एक्सपीरियंस लेते हैं उस डॉक्टर के हिसाब से, कि ये डॉक्टर हमारा कैसा था, इससे ये कैसे हमें ट्रीट किया, इसने मुझे अच्छे से ट्रीट किया या नहीं किया, उसने अच्छे से बिहेव किया, मेरी पूरी बातें सुनी या नहीं सुनी, एज पर जो मेरी प्रॉब्लम्स थी उसे आपने रखा, उसने सुना नहीं सुना, सब कुछ के बेस पे आप वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करते हो। मीन्स डॉक्टर और उसकी सर्विस दोनों की इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे एक साथ होती है। मीन्स कोई भी सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर दोनों एक साथ मिलकर ही काम करते हैं, दोनों में कोई सेपरेशन नहीं होता है, सर्विस प्रोवाइडर ही सर्विस को रिप्रेजेंट करता है।
इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका इन्वेंट्री लेस प्रोसेस, मीन्स सर्विस आर इन इन्वेंट्री लेस प्रोसेस, इट कैन नॉट बी अस्टर्ड फॉर द सेम एट एवरी वन, मीन्स सर्विस जो होती है वो हर पर्सन के लिए हर टाइम पे अलग अलग हो सकती है। इसे हम पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, पर्टिकुलर पर्सन के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते हैं कि अगर राम आए तो उसे ये सर्विस, श्याम आए तो ये सर्विस। जैसे आप होटल देखते हो तो वहाँ पे दो पर्सन इक्वल होते हैं, जो कि अगर दोनों पर्सन ने अगर सेम डिश ऑर्डर किया तो दोनों की सर्विसेज सेम प्रोवाइड होती है, ना कि अलग अलग, बट दोनों एक्सपीरियंस अलग अलग लेते हैं। मीन्स ये एक पर्सन के लिए नहीं होता है, ये हमेशा डिफर हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर्स, मीन्स यूजर पार्टिसिपेशन। यूजर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सपीरियंस द सर्विसेज, अदरवाइज दैट सर्विसेज आर नॉट वेल परफॉर्म बाई द सर्विस प्रोवाइडर और इट इज़ नॉट कंप्लीटेड। मीन्स कि सर्विस को एक्सपीरियंस करने के लिए, सर्विस को लेने के लिए कस्टमर का होना बहुत ज़रूरी होता है, यूज़र का होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई मार्केट में प्रोडक्ट आती है, खरीदने वाला ही ना हो, कोई सर्विसेज आती है उसे लेने वाला ही ना हो, तो वो उसे कैसे बेच पाएगा कोई। मीन्स कि जैसे आप अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसमें कि एक पर्टिकुलर कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट होनी ज़रूरी है, कस्टमर को समझाने वाले तो बहुत सारे आ जाएंगे, बट कस्टमर अगर होगा ही नहीं तो उसे समझाएगा कौन, कौन सुनेगा सर्विस प्रोवाइडर की बातों को। तो इन्वॉल्वमेंट कस्टमर की ज़रूरी होती है। अब अगर हम बात करें कि सर्विसेज कितने टाइप्स की होती हैं, तो फर्स्ट वन इज़ बिजनेस सर्विसेज, सेकंड सोशल सर्विसेज एंड थर्ड पर्सनल सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज क्या होती है? बिजनेस सर्विसेज आर दैट प्रोसेस विच इज़ यूज्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेज टू कंडक्ट देयर एक्टिविटीज अ स्मूथली। बिजनेस सर्विसेज एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि बिजनेस एंटरप्राइजेज अपने कामों को, अपने चीज़ों को स्मूथली ढंग से करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन। इन सारे चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इजली, कि बिजनेस सर्विसेज होती क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। बट अभी के टाइम पे बस इतना याद रखिए कि बिजनेस सर्विसेज एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि बिजनेस एंटरप्राइजेस के थ्रू कंडक्ट किया जाता है उनके कामों को स्मूथली करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज क्या होती है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सर्विस विच इज़ ऑर्गेनाइज बाई गवर्नमेंट, प्राइवेट, प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प पीपल हु हैव फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मीन्स ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल का ऑर्गेनाइज एक्टिविटी होता है, चाहे वो गवर्नमेंट के थ्रू किया गया हो या फिर प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हो, प्रॉफिट कमाने वाले ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन प्रॉफिटेबल के थ्रू किया गया हो, जिसमें कि इनका मोटो होता है लोगों की मदद करना, चाहे फाइनेंशियल तरीके से उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो या फिर उनके किसी के, जैसे आप देखते होंगे कि सामूहिक विवाह होती है बहुत सारी जगह पे, तो वो लोग मिलकर के ये चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं, उनमें फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑलरेडी देखा था। इसके अलावा जो थर्ड है, थर्ड टाइप है, वो है पर्सनल सर्विसेस। पर्सनल सर्विसेज क्या होती है? इट इज़ दैट सर्विस विच आर प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वॉन्ट्स। यह एक ऐसा सर्विस का फॉर्म है जो कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दी जाती है उसके नीड्स एंड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। यह पर्सन टू पर्सन ये भी डिफर होता है। मीन्स जैसे कि आप हेयर कट कराने जाते हो तो वो आप खुद एक्सपीरियंस करते हो, वो आपका डिपेंड करता है, टाइम टू टाइम वो अलग भी हो सकता है, बट वो एक्सपीरियंस आप खुद करते हो। डॉक्टर के पास जाते हो तो मेडिसिन आपको देता है, मीन्स वो मेडिसिन के बेस पे आप खुद उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। ड्रेस मटेरियल अगर आप कहीं पे भी स्टिच करवाने जाते हो, मीन्स आप किसी भी पर्टिकुलर ड्रेस को सिलवाने जाते हो टेलर के पास, तो आप जो ड्रेस मटेरियल के लिए मेजरमेंट देते हो, माप देते हो, तो वो आप खुद को एक्सपीरियंस करते हैं उन चीज़ों के बेस पे। ठीक है, तो ये थी हमारा आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक सर्विसेज। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस सर्विसेज के बारे में।